यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। गुरुग्राम में अस्पताल की जानलेवा लापरवाहियों का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में एक बार फिर से एक अस्पताल की लापरवाही देखने को मिली है। अस्पताल प्राइवेट हो या सरकारी, ताज़ा मामला की बात करें तो सरकारी अस्पताल का ही मामला है, जहां अस्पताल की लापरवाही से गर्भवती महिला के डिलीवरी के दौरान बच्चे को अपनी जान तक गंवानी पड़ी और महिला के परिवार का ये आरोप है कि अस्पताल ने इलाज के नाम पर ना केवल खानापूर्ति की बल्कि अपना पीछा छुड़ाने के लिए गर्भवती महिला को उस वक्त दिल्ली के लिए रेफर कर दिया जब बच्चा पैदा ही होने वाला था। महिला के पति के अनुसार अस्पताल के स्टाफ ने ज़बरदस्ती महिला को दिल्ली के अस्पताल में रेफर किया था, लेकिन जैसे ही महिला को एम्बुलेंस में लेकर जाने लगे तो उसी दौरान बच्चे का जन्म हो गया और आनंद फानन में एक अस्पताल के कर्मचारी ने डॉक्टर ने जो है महिला और उसके बच्चे को एडमिट तो किया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और एक मासूम की जान चली गई। फिर वो बैठाए रखा था घंटा एक घंटा, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई भी कुछ नहीं, मगर एक काम करो एडमिट करो इसको, ठीक है, मैं एक पूर्व मैन आदमी हूँ, ठीक है, अगर नहीं इसको दिल्ली ले जाओ, नहीं कोई कागज नहीं कहीं और, मगर ठीक है मैं दिल्ली ले जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पेशेंट को चेक करो। फिर बच्चा बाहर आ गया, फिर मैं अंदर लेके गया, फिर हाथ देख के वो बाहर कर दिया, फिर इन्होंने एम्बुलेंस में, मगर ठीक है मैं रेफर करके ले जा रहा हूँ, मैं बिटर गया, मगर ठीक है मैं दिल्ली लेके जा रहा हूँ, उसके बाद मैं एम्बुलेंस में बैठा दिया। एम्बुलेंस में केवल एक ही बंदा बैठेगा, मगर महिला के साथ दो महिला चाहिए कि नहीं चाहिए, महिला का काम तो महिला ही करेगी, अगर नहीं कोई जरूरत नहीं है, एम्बुलेंस वाले मना कर रहे हैं, स्टाफ भी मना कर रहे हैं। उसके बाद फिर गर्भ से बच्चा बाहर आ गया, बच्चा वहाँ से फिर अंदर ले गए, फिर वो आधे घंटे बाहर का नाम वहाँ पर बच्चा एम्बुलेंस के अंदर हो गया।